हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ अप्लीफाइड नाउ मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आज उन्हीं को सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करेंगे बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इंक्लूड आपके लाइबॉर लिबिड माइबॉर मिबिड इन की कन्फ्यूजन दूर करना तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक तो हम बात करेंगे कॉल मनी और शॉर्ट मनी में क्या डिफरेंस होता है फिर हम देखेंगे माईबॉर और मेबिट क्या होते हैं साथ में हम देखेंगे लाइबॉर लिमिट क्या होते हैं सानिया सोफर जो रिसेंटली डिस्कस की जा रही है वो क्या है एक्चुअली दिस विल डिस्कस इन दिस सेशन तो चलिए शुरू करते हैं बस सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए लाइबॉर हैज़ अ ग्रेटर एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन एंड एज इट इज बीस बेस्ड ऑन सर्वे राइट एंड सोफर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल ट्रांजेक्शन जरा एक बार सोच के देखिए स्टेटमेंट सही है या नहीं बिकॉज एट द द एंड ऑफ वीडियो आपको ये इसका जवाब पता होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं मनी मार्केट मैंने बोला था कैपिटल और मनी मार्केट में क्या फर्क होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन शॉर्ट टर्म लोन आप मनी मार्केट में लेते हो और बड़े बड़े लोन आप कैपिटल मार्केट से लेते हो राइट अगर एक साल की प्लानिंग करनी है पंद्रह करोड़ इन्वेस्ट करने हैं तो कैपिटल मार्केट लेकिन वहीं पे आज के लिए पैसा चाहिए अगले पंद्रह दिन के लिए चाहिए तो आप मनी मार्केट में जाओगे राइट ना कैपिटल मार्केट में नहीं जाओगे तो इसीलिए जो हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं अब इसी मार्केट से एक टर्म आती है कॉल मनी कॉल मनी बेसिकली वो शॉर्ट टर्म आपके लोन्स होते हैं जो कि आपको ऑन डिमांड पे करने होते हैं दो चीजें ध्यान रखना शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ऑन डिमांड पे करने होते हैं एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शॉर्ट टर्म आपके जो लोन होते हैं इसमें राइट right? ओके okay, तो जो शॉर्ट टर्म लोन आप इसमें पे करते हो तो इसमें एक्चुअली ड्यूरेशन इतनी छोटी है कि वन से फोर्टीन डेज हो सकती है जिस इंस्ट्रूमेंट को आपको एक दिन में पे करना हो उसको कहते हैं कॉल मनी ये आपके कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं और जिसको आपको टू से फोर्टीन डे में पे करना हो उसको कहते हैं नोटिस मनी यहाँ से आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा राइट right? तो बेसिकली कुछ नहीं ये वो लोन होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म एक से चौदह दिन में पे करना हो और ऑन डिमांड पे करना है यहां से एक बार ध्यान रखना मैंने कहा था लोन दो तरीके के होते हैं पिछले बार बताया था ना एक होते हैं टर्म लोन एक होते हैं आपके डिमांड लोन अगर टर्म लोन वो होते हैं जो लंबे पीरियड के होते हैं यूजली जैसे एक साल के ज्यादा के हो सकते हैं या फिर उससे कम भी हो सकते हैं फर्क ये होता है टर्म लोन में मेचोरिटी पीरियड डिफाइंड होता है मेचोरिटी पीरियड इज कम्प्लीटली डिफाइंड कि कब आपको पे करना है कि अगर 14 अगस्त 2021 को आपने लिया था तो उसमें लिखो लिखी होगी कि 14 अगस्त 2022 को आप प्लीज पैसा चुका दें तो इसमें क्या है सब कुछ मैंशन है डिमांड लोन में ऐसा नहीं होता डिमांड लोन में आप जिस दिन इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंच जाओगे उस दिन आपको वो पे करना पड़ेगा दैट इज डिमांड ये आपके ऑन डिमांड पे करने होते हैं यहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर ये है तो जिस रेट पे ये पैसा मिलता है ना उसको कहते हैं कॉल मनी रेट या कॉल रेट और आज का जो पूरा सेशन है वो इसी पे रिवॉल्व करेगा ये रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है राइट दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रहे हैं तो ये रेट जो है दिस इज कॉल मनी रेट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये आपकी इसके सिग्निफिकेंस देखा जाए तो उसे आप समझ जाओगे सिग्निफिकेंस समझना हो तो इसे यह जानेंगे कि पहली बात तो यह पैसा लेता कौन है यूजली दो लोग बहुत यूज करते हैं एक आपका बैंक और दूसरा आपका यूज करते हैं ब्रोकर राइट तो जब आपको बैंक यूज करते हैं तो उस मार्केट को कहते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट अगर बैंक यूज कर रहे हैं तो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट होते हैं जिसका एग्जांपल है आपका मिबिट लाइबॉर अगर जब बैंक आपस में करते हैं एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है तो उसको कहते हैं इंटर बैंक मनी मार्केट बैंक जब आपस में करे दूसरा आपका ब्रोकर करता है मैंने कहा था ना ब्रोकर में क्या होता है अपनी सिक्योरिटी उसके पास होती है वो एक आपका सेलर होगा एक बायर होगा सिक्योरिटी का तो जब क्या होगा इसने अपनी छह लाख की सिक्योरिटी खरीदनी थी पर इसने मना कर दिया ऐसे केस में इसको तो इसे पे करना पड़ेगा ना उसने तो इनकार कर दिया पर ये पे करेगा तो अपने से छोटे छोटे फाइनेंस को यूज करने के लिए ये क्या करते हैं कॉल मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं और ऐसे ही बैंक भी बैंक इसे यूज करते हैं जब उन्होंने अपनी सी आर आर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी हो तो इसको यूज करते हैं तो किस तरीके से एक तो ब्रोकर को फायदा होता है फिर इसमें जो बैंक जब एक दूसरे को लेंड करते हैं तो इसमें एक होता है आपका बोरो बैंक और दूसरा होता है लेंडर बैंक तो अब चलिए यहां पर समझते हैं कॉल मनी मार्केट अब हम समझेंगे यहां पर इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट जैसे कि आप सिग्निफिकेंट समझ सके फिर हम समझ जाएंगे तो इमेजिन कीजिए यहां पर आपका एस है और ये है आपके आई सी आई सी आई महाराज ठीक है दोनों की कैपिटल हंड्रेड करोड़ है और सी आर आर आप की लगी हुई है फोर परसेंट की मतलब कम से कम चार करोड़ दोनों के पास होना चाहिए बट इमेजिन एस के पास आठ करोड़ रुपए पड़े हैं और इन महाशय के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं इनकी थ्री थ्री करोड़ हैं तो एक करोड़ का इनको लोन चाहिए ना क्यों क्योंकि चार करोड़ की तो रिक्वायरमेंट है सीआरआर की अब ऐसे केस में क्या करेंगे उस एक करोड़ के लिए ये इनसे बोलेंगे लोन देने के लिए यहाँ पे एच भी है एस टी एफ सी की सेम सिनेरियो है उसके पास सात करोड़ रुपए हैं तो जब ये लोन मांगेंगे तो ये इनको बोलेंगे ठीक है हम दे देंगे एक करोड़ पर हम आपको देंगे आठ प्रतिशत पे रेट रेट पढ़ रहे हम तो वो जो ऑफर रेट होती है जिस पे ये इनको पैसा देने को तैयार है द रेट एट विच वन बैंक इज रेडी टू गिव लोन टू अनदर बैंक इज कॉल ऑफर रेट तो यही से आपका कॉन्सेप्ट आता है दैट इज माई बोर एंड मिबिट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट एंड मुंबई इंटर बैंक आपका ये होता है बिडिंग रेट ठीक है मेबिड एंड ये ऑफर रेट एंड आपका बिडिंग रेट होती है तो इससे आपका माइबॉर मेबिड आता है क्यों एक आपकी ऑफर रेट होगी ऑफर रेट वो है जो लैंडिंग बैंक देता है राइट इसने बोला आठ प्रतिशत पे दूंगा पर आईसीआईसीआई ने क्या बोला नहीं मैं तो सिक्स परसेंट दूंगा तुम नहीं सिक्स परसेंट ही मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा तुम नहीं लोगे तो मैं किसी और बैंक के पास चला जाऊंगा एस टी एफ सी ने बोला हाँ ठीक है मुझसे ले लो मैं सात प्रतिशत पे दे दूंगा नाउ इन दिस केस दो तीन बैंक ऑफर करें डिफरेंट रेट पे राइट और यहीं पे आई सी आई सी आई को देखा जाए तो वो सिक्स परसेंट पे लेने को तैयार है एक और बैंक होगा उसकी जरूरत और ज्यादा है मे बी वो फाइव परसेंट पे लोन लेने को तैयार हो ऐसे केस में क्या होगा एक स्टैंडर्ड लाने के लिए आर बी आई ने क्या बोला एक प्लेटफॉर्म बना दिया आर ने फाइनली प्लेटफॉर्म बना दे जिससे कि एवरेज रेट पे ये ट्रांजेक्शन हो सके वो प्लेटफॉर्म कैसे आता है 1998 में कमिटी ऑन डेवलपमेंट और डेट मार्केट आई थी आर के कहने पे ना इट सजेस्टेड कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए तो उस केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये प्लेटफॉर्म बना गया जिसमें कम से कम थर्टी बैंक अपने पोल करते थे 30 बैंक की पोलिंग होती थी कि कोई बोल रहा है आठ प्रतिशत पे देगा कोई कह रहा है सात प्रतिशत पे देगा कोई बोला रहा है छह प्रतिशत पे देगा ये लैंडर बैंक है वहीं पे आपके होते थे जो जिनको चाहिए लोन वो सत्तरी वो भी बैंक भी होते थे वो बोलते थे छह पे लेंगे पांच पे लेंगे तो ओवरऑल क्या करते थे एवरेज निकाल देते थे कि सेवन ये और सिक्स ये ये होती थी आपकी ऑफर रेट एंड मेबिल रेट कि जो जो बैंक है बैंक ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ पहले ये एनएस निकालता था पर फिर बाद में एक और बॉडी आ गई नाउ दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एफ एम डी ए आई या आपकी फिक्स्ड मनी मार्केट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये दोनों मिलके इसको निकालते थे राइट लेकिन फिर क्या हुआ 2015 में आरबीआई ने आर ने डिसाइड किया कि इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ प्रोन टू बहुत सारे आपके क्राइसिस एरर वगैरह क्योंकि पोलिंग में अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता तो और पोलिंग में क्या होता है पोलिंग इज मिली स्पेकुलेशन कि एक बोल रहा है आठ एक बोल रहा है सात बट ऑरिजिनली कितने पे ट्रेड हो रहे हैं किसी को नहीं पता ना तो पोलिंग में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो आर डिसाइडेड नहीं जिस रेट पर ट्रेड हो रहे हैं वो होना चाहिए तब आपका आने लगा फीबिल ओवरनाइट

इंस्टेड ऑफ पोलिंग यहाँ पे पोलिंग नहीं यूज की जाएगी ओरिजिनल जिस रेट पे ट्रेड हो रहे हैं ना जिस पे ट्रेड हो चुकी है उसको यूज किया जाएगा उसका एवरेज निकाला जाएगा इसका मतलब इसमें स्पेक्युलेशन कम होंगी राइट इसमें होने से पहले आठ प्रतिशत सात इसमें होने के बाद बता देंगे कि आईसीआईसीआई ने SBI को इतने पे दिया था SBI ने एस को इतने दिया था इसका मतलब ये पोस्ट होता है और ये प्री में होता है ये डिफरेंस है दोनों का समझ में आ गया दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग बॉर मिबिट और वगैरह क्या है ये रेट है जिस रेट पे ये एक बैंक दूसरे को पैसा दे रहा है और किस प्लेटफॉर्म पे होते हैं ये आपको जानना है चलिए आगे जानते हैं अब आते हैं लाइबॉर एन लिबिट लाइबोर लिमिट में भी कुछ फर्क नहीं है सेम है एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है बस फर्क ये है ये जो बैंक है वन और जो बैंक टू है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो इसमें इंटरनेशनल करेंसी यूज होगी आपकी राइट जैसे डॉलर यूरो वगैरह ऐसे ही जब एक इंटरनेशनल बैंक दूसरे को लोन देता है तो जिस रेट पे देता है उसको पता चलता है तो इससे सिग्निफिकेंस आपके पता चल गया सबसे पहली बात हमने क्या देखा था पहला सिग्निफिकेंस ब्रोकर के पास पैसा होता है दूसरा बोरोवर जो बैंक होता है वो अपनी सीआरआर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है डे टू डे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है लेंडर बैंक को क्या फायदा था उसके पास जो एक्सेस मनी था सप्लेस पे उसको इसको क्या मिलने लगे था इंटरेस्ट रेट मिलने लगा था उसके इन्वेस्टमेंट होने लगी थी वहीं पे इकॉनमी में फायदा ये होता है कि एक बेंचमार्क सेट होने लगता है इससे कि कितने पे क्योंकि ये ये जो ओवरऑल आपके जो रेट होती है लिक्विडिटी सिनेरियो को बताती है कि कितना पैसा इकॉनमी में है आईसीआईसीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है तो ये जो रेट है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी साथ में एक स्टैंडर्ड कि ओवरऑल यही स्टैंडर्ड यूज होता है जब एक बैंक दूसरा और जो बाकी आपके जो लोन्स होते हैं उनको उनका रेट डिटरमाइन करने में ठीक है अच्छा लाइब और लिबिट आने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे कि जो आपके कॉल मनी जो रेट होता है कॉल मनी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ अदर शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट लाइक कमर्शियल पेपर कमर्शियल बिल्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन सब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनकी डिमांड राइट right? ऐसा क्यों अगर कॉल मनी रेट अगर आठ प्रतिशत हो गए आठ से दस हो गए इसका मतलब महंगा मिल रहा है यहाँ पे पैसा जब यहां पैसा मिलने लगे महंगा मिलेगा तो आप चुपचाप दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट में जाओगे ना तो जब ये महंगा मिलेगा तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो ये रिलेशनशिप आप ध्यान रखोगे तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस आपको क्लियर होगी कि बेंचमार्क सेटिंग होती है लिक्विडिटी इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि ये फॉरेन करेंसीज में होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट करने में भी काम आता है ये राइट क्योंकि फॉरेन करेंसी में होगा तो पता चल जाएगा फॉरेन करेंसी कितनी लिक्विडिटी है तो फॉरेन एक्सचेंज सेट करने में भी काम आता है बिकॉज ओवरऑल ये आपकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है राइट right? ये समझ गए तो अब आते हैं लाइबॉर लिबिट इंटरनेशनल बैंक के बीच में होता है इसमें भी दो चीज़ें होती हैं एक ऑफर रेट होगी जितने पे ये इनको लोन देंगे जितने पे ये लेने को तैयार है तो ऑफर रेट होती है रिकमिडिंग रेट होती है तो लाइबॉर आपकी ऑफर रेट होती है लिबिड आपकी ल, आपकी बिडिंग रेट होती है जितने पे वो लोन लेने को तैयार है अब इसमें प्रॉब्लम ये है सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जाने कि लाइबॉर आपका नाइनटीन में आया था तब इसमें तीन करेंसी थी और जो आपका ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन है उसने बनाया था इसकी तीन करेंसी कौन कौन सी थी डॉलर पाउंड एंड येन करके फिर जब ये ग्रो कर गया तो इसमें पांच और पांच करेंसी आ जाती है स्विस फ्रैंक और आपका यूरो वगैरह भी एड हो जाते हैं और इसमें सेवन मेच्योरिटी पीरियड है जैसे एक दिन चौदह दिन छह महीने इस तरीके के सेवन मेच्योरिटी पीरियड इसमें अवेलेबल है प्रॉब्लम ये हुई जब लाइबॉर स्कैंडल हुआ लाइबॉर स्कैंडल एक्चुअली इज वेरी एसोसिएटेड टू सब प्राइम क्राइसिस में क्या था कि सब लोन लेने लगे थे लेकिन पेइंग कैपेसिटी नहीं थी तो ओवरऑल वो एक साथ वो बूम खत्म हुआ और बैंकर्स के पास पैसा नहीं था वापस लेने के लिए ऐसा रोल इसमें रोल प्ले किया था इन इंटरनेशनल बैंक्स ने भी इंटरनेशनल बैंक ने क्या किया जब ये एक बैंक दूसरे बैंक को मनी कोट कर रहा था तो ये यहाँ पे फ्रॉड मतलब पैसा गलत बताने लगे दे स्टार्टेड ऑफरिंग जहां आठ होना चाहिए था वहां सिक्स परसेंट टॉप पे ऑफर करने लगे ऐसा क्यों इससे लगने लगा लिक्विडिटी बहुत है लिक्विडिटी कम थी उनके पास पैसा कम था तो रेट आपके हाई होने चाहिए थे बट दे स्टार्टेड शोइंग लेसर रेट फाइव परसेंट फोर परसेंट इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को लगने लगा कि बहुत पैसा है लिक्विडिटी को गलत रिप्रेजेंट किया गया नॉट दिस मिस कोटिंग ऑफ रेट रिजल्टेड इन सब प्राइम क्राइसिस और लाइबोर स्कैंडल सामने आ गया बिकॉज ट्रेडर चाहते थे लिक्विडिटी बनी रहे तो so, 2014 में जो बैंकर ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन इसको निकालता था उसको हटा के इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आ गया अब साथ में लिमिट को ग्रेजुअली फेसिंग आउट करने की बात चल रही है 2021 के एंड तक आपके जो मेचोरिटी पीरियड हैं तीन मंथ वाले वो दो विड्रॉ हो जाएंगे एक महीने वाला मेचोरिटी पीरियड और तीन महीने वाला मेचोरिटी पीरियड चले जाएंगे इसके साथ आपका जो 2023 तक लिमिट को हटा दिया जाएगा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जिसकी वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक एक कोलाहल मच गया है क्यों क्योंकि लिमिट तो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क सेट करता था कि बहुत सारे लोग जब लोन देते थे ना बैंक तो वो क्या करते थे लिमिट का जो रेट होता था एक्स परसेंट प्लस उस पर हंड्रेड बी लगा के लोन दिया करते थे राइट right? तो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क था लिक्विडिटी का रिप्रेजेंटेटिव था कि कितनी है अब वो नहीं रहा तो सबको बेंचमार्क की जरूरत है उस बेंचमार्क के लिए बेसिकली जैसे इंडिया ने किया कि हम फीबल ओवरनाइट पे करें इंटरनेशनल कंट्रीज भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं जैसे आपका सोफर आपका यूएस का सिस्टम है और आपका सोनिया आपका यूरोपियन यूनियन कंट्रीज लेकर आ रही है इट्स नथिंग आपका सोफर देखा जाए तो इसमें ये इसमें सोफर में इंटरनेशनल जो आपकी आ, वो जो यूएस का ट्रेजरी मार्केट होता है यूएस का ट्रेजरी मार्केट में जब सिक्योरिटीज डील होती हैं वो जिस रेट पे जा रही है उसे बेंचमार्क यूज किया जाएगा राइट right? तो इसी तरह सोफर सोनिया में कुछ नहीं है आज मैं इसमें डिटेल में, में डिस्कस नहीं करूंगी सिर्फ इतना ही जाऊंगी पर सोफर हो सोनिया हो या ओनिया हो ओनिया आपका ऑस्ट्रेलिया का है सोनिया यूरोपियन यूनियन का है सोफर यूएस का है दैर जस्ट चेंजिंग द बेंच मार्क रेट जो आपका कॉल मनी रेट था जो कि बेंच मार्क एग्जिस्ट करता है सबके लिए उसको बदल रही है जैसे यूएस ने अपने ट्रेजरी मार्केट में जिस रेट पर वो आपकी जो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है उसको यूज करना शुरू कर दिया नॉट दिस इज अंडरस्टैंडिंग लाइबॉल लिबिड कॉल मनी मार्केट और पूरा स्कैंडल क्या होता है ठीक है तो अब एक चीज यहाँ ध्यान रखेगा सोफर so में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दिस केस आपका ये ऑब्जर्वेबल ट्रेड यूज हो रहा है मतलब ये स्पेक्यूलेशन पे नहीं चल रहा जैसे आपने माइबोर में देखा था ना पोलिंग होती थी ऐसी लाइबोर में भी और इन रियलिटी पोलिंग के बेसिस पे चल रहा था ऐसा नहीं था कि बाद में ट्रेडिंग होगी तब इंटरेस्ट रेट पता चल रहा है वो पूरा जो स्कैंडल हुआ था जब ये मिसकोट कर रहे थे ये कर ही इस इसलिए कर पा रहे थे बिकॉज नॉट आफ्टर ट्रेड हैज हैपन्ड बट बिफोर ट्रेड ये कोर्ट करने की बारी, बारी चल रही थी इसलिए स्पेकुलेशन होती थी बट क्योंकि इस केस में होने के बाद जब आपका ट्रेड हो जाती उसके है उसके बाद आपकी रेट निकाली जा रही है दैट्स वाई सोफर इज मोर एक्यूरेट इसीलिए इसका सवाल का मुझे जवाब दे पाएंगे लाइबॉर हैज अ ग्रेटर एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन बींग फेस्ड ऑन सर्वे या आपका सर्वे या ओपिनियन पे होता था बैंक के बीच में लेकिन जो आपका सोफर है वो आपका ऑब्जर्वेबल ट्रांजेक्शन जो हो चुकी है आपकी ट्रेजरी मार्केट में उस पर बिलोंग करता है एंड दैट्स वाई द स्टेटमेंट जो आपके दोनों है वो करेक्ट है इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कनेक्ट करें बिकॉज वी आर हेयर जस्ट टू हेल्प यू Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.